मेरा नाम जी लाला जीवन कुमार और करीब करीब मुझे 40 साल हो गए हैं लोगों के हित में लोगों की सेवा करते, और 40 साल से ही मैं कांग्रेस पार्टी में ही सेवा करता आ रहा हूँ। पहले कांग्रेस पार्टी में मैंने जनरल सेक्रेटरी का पद भी काम किया, और सन 2002 में काउंसलर का इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा। ये कोरोना COVID-19 चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे मैं आम जनता को यही बेनती करूँगा कि सरकार के द्वारा जो सरकार इस विषय को लेकर सभी देशवासियों की मदद सरकार कर रही है, मजदूरों की, गरीबों की, सभी की सरकार मदद कर रही है, उससे हम लोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिए और अपनी सेफ्टी हमको खुद को ही आपको ही करनी चाहिए। जब हमें पता है कि कोरोना पिछले साल से काफ़ी महत्व दे रहा है, बहुत लोगों को जानी माल का नुकसान हुआ है, बहुत मजदूर कोरोना के कारण गरीबी की रेखा पे दब गए हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी व्यापारी भी कोरोना के कारण काफ़ी व्यापार में उनको भी नुकसान झेलना पड़ा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है, जो इंडस्ट्री है, वो COVID-19 की गाइडलाइन पे चल रहे हैं? इस विषय पे आकर व्यापारी भी लापरवाही कर रहा है और साथ में मजदूर भी लापरवाही कर रहा है। उनको भी चाहिए जब सैनिटाइजर बना है तो वो अपने हाथ धोएं, उनको भी चाहिए कि मास्क लगा के रखें ताकि अपनी सेफ्टी में अपना ही बचाव है। सरमाएदार की तरफ से भी अनदेखा किया जा रहा है और गरीब भी इसको लापरवाही से बरत रहा है, और जिसके कारण दोनों को ही नुकसान हो रहा है। ऐसा देखने में आया है कि जितने भी फड़ी लगाने वाले हैं या ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये बिना मास्क घूम रहे हैं, और शाम के वक्त जब फैक्ट्रियों की छुट्टी होती है तो पूरा जमावड़ा भीड़ का निकलता है, किसी के चेहरे पे कोई मास्क नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसमें जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इसको ध्यान नहीं दे रहा, और ना ही इंडस्ट्री के जो मालिक है वो COVID-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से या जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मालिक? प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सरकार तो पूरा ध्यान दे रही है, मगर यहाँ दुख का विषय ये है कि लोग अपनी तरफ आप खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आपने बोल दिया है कि जब फैक्ट्रियों में छुट्टी होती है तो भाई मालिक की ड्यूटी नहीं है कि सभी को वो बोले भी भाई मास्क लगा कर बाहर जाओ। ये तो हमारी खुद की अपनी सेफ्टी है कि मास्क पहने ताकि हम आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो मालिक हैं